हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ओमवीर सिंह। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरी नई नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उन्हें शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या है? चिंता से कैसे बचें, ज्यादा सोचने से कैसे बचें। मेरे प्रिय साथियों, चिंता चिता के समान होती है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर होता है। चिता निर्जीव को खा जाती है, निर्जीव को जलाती है। चिता मानव को मृत होने के बाद जलाती है, किंतु मानव का शरीर एक बार ही जलकर हमेशा के लिए राख बन जाता है। और चिंता जीवित मनुष्य को जलाती रहती है। दीमक की तरह मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती है। दोस्तों, चिंता जीवित मनुष्य को निरंतर जलाती रहती है। चिंता चिता से भी ज्यादा दुख देती है। चिंता का अर्थ डर, कांपना, बेचैनी होना, घबराहट होना, ये सब चिंता की निशानी है। अचानक पसीना आ जाना, तनाव, टेंशन के साथ दिल की धड़कन तेज हो सकती है। चिंतन अतीत को दोहराना और चिंता भविष्य के बारे में सोचना है। चिंता मनुष्य को जीवित रहने तक, जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, जलाती रहती है। काम का तनाव, परिवार में किसी की मृत्यु का तनाव, कोई भी बड़ी घटना या छोटी घटना, तनावपूर्ण जीवन स्थितियों का निर्माण अत्यधिक चिंता को जन्म दे सकता है। दर्दनाक अनुभव, ये सब चिंता की निशानी हैं। चिंता को हम कैसे रोकें, ज्यादा सोचने से कैसे बचें, टेंशन लेने से हम कैसे बचें, इसके ये टिप्स हैं साथियों। नंबर एक, माइंडफुलनेस। यानी माइंडफुलनेस का अर्थ है भविष्य के बारे में चिंता करना बंद कर दें। भविष्य के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दें और वर्तमान के बारे में सोचें।
वर्तमान के हर क्षण पर पूरा ध्यान दें, पूरा इंजॉय करें और मेडिटेशन का अभ्यास करें। दोस्तों, चिंता नकारात्मक विचारों को जन्म देती है। नकारात्मक विचारों को रोकें, चुनौती दें, अच्छी नींद लें। रात को कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लें। नींद को प्राथमिकता दें। केवल 20 मिनट, मात्र 20 मिनट चिंता करने दें, मनन करने दें। अपने दैनिक कार्यक्रम में शामिल करें केवल 20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। जब स्वयं को अत्यधिक चिंता में पाएं या अत्यधिक चिंता में देखें तो खुद से कहें, इसके बारे में अब बाद में सोचेंगे, केवल 20 मिनट ही सोचना है। दोस्तों, चिंता कम करने का सबसे बड़ा उपाय है दोस्तों, शारीरिक सक्रियता को बढ़ावा दें। गतिविधियों में हिस्सा लें, खुद को किसी गतिविधि में शामिल कर लें, कुछ ना कुछ करते रहें। नियमित व्यायाम करें, घूमने जाएं, सैर पर जाएं, अपने पसंद का अपना पसंदीदा काम करें जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आप खुश रहें। चिंता को दूर करने वाला मंत्र मैं आपको बताता हूं। ऐसा मंत्र चिंता, तनाव, नकारात्मक विचार, भय सब दूर हो जाते हैं। इतना बढ़िया मंत्र मैं आपको बताता हूं, वो क्या है। इस मंत्र में 24 देवता वास करते हैं, 24 शक्तियां इसमें शामिल हैं। मन में सभी प्रकार के डर, पाप, शोक, द्वेष, दुख, डिप्रेशन, स्ट्रेस, भय, पैनिक अटैक व चिंता से मुक्ति मिलती है इस मंत्र से। दोस्तों, इन चीजों का अंत होता है। नकारात्मक चीजों का अंत होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। क्या है वो मंत्र मैं आपको बताता हूं। ये मंत्र है, ओम भूर्वय श्वे तत्स वितरूणिण्यम भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यानी प्रचोदयात्। दिन में 3 बार इस मंत्र का जाप करें। एक बार मैं आपको और बताता हूं, ओम भूर्वे स्वे तत्स्वीर्ण्यम भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार डेली सब चीज भय समाप्त जाएगी। इस
मंत्र का जाप करते समय एक बात याद रखें दोस्तों, हम उस परम पूजनीय भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश या जो भी आपके प्रिय देवता हों, उनको ध्यान करके उनको याद करते हुए तब इस मंत्र का दिन में 3 बार मात्र जाप करें। फिर देखिए आपके अंदर कैसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। एक बार मैं आपको और सुनाता हूं। ओम भूर्भे श्वे तत्सवितुर्वण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये है सारे डरों को भगाने का मंत्र, चिंता को दूर करने का मंत्र, मस्तिष्क को शांत रखने का मंत्र। आप इस मंत्र के बाद ज्यादा काम से मन लगाकर कर सकते हैं, चिंता की सभी समस्याओं का तोड़ है ये मंत्र। इसका अर्थ क्या है? हम उस परम पूजनीय सर्वोच्च भगवान जिनमें भी आप आस्था रखते हो, निर्माता का ध्यान करते हुए, यानी ध्यान हमारे उस भगवान में होना चाहिए, जाप करते समय जिसका तेज सभी क्षेत्रों शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक को प्रकाशित कर रहा है, सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है ये मंत्र का जाप। इसका अर्थ दूसरा ये है मेरे प्रिय दोस्तों, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा का ध्यान करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्कर्म में प्रेरित करें। गायत्री मंत्र का जाप करते से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से हमें शांति कृपा आनंद और समृद्धि मिलती है आती है, शारीरिक उपचार में सहायता करता है और नकारात्मकता के खिलाफ ढाल के रूप में कार्य करता है। अगर किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए आपको तप करना है तो सबसे पहले 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इस मंत्र के दिन में 3 बार मात्र कम से कम 3 बार जप करने से मानसिक शांति मिलती है दोस्तों। ईश्वर तक पहुंचने का और मन की शांति पाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करना जरूर चाहिए। तो प्रिय साथियों, ये था आज का टॉपिक, चिंता को भगाना, सारी टेंशनों को दूर करना।
तीन बार जाप करते समय मानसिक शांति के साथ, मानसिक शक्ति के साथ एकाग्रता भी बढ़ती है। तो मेरे प्रिय साथियों, आज से ही आप करेंगे ना, अपनी सारी चिंताएं भगवान को सौंप देंगे और बिल्कुल हैप्पी रहेंगे। सब टेंशन तीन बार मात्र दिन में जाप करने से भगवान स्वयं ले लेते हैं। इस मंत्र के अंदर 24 देवताओं का वास होता है। 24 देवता इस मंत्र के अंदर आपकी बातों को सुनते हैं। तो प्रिय साथियों, आज से ही आप इस मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए और फिर देखिए आपके मन को कितनी शांति मिलेगी, कितना आनंद मिलेगा और घर में सुख समृद्धि आएगी। आपके हर बिगड़े काम जरूर बनेंगे दोस्तों, जरूर बनेंगे। तो प्रिय साथियों, अगर मेरी इस छोटी सी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस मंत्र में आपको कौन सी बात, कौन से तथ्य अच्छे लगे, जिससे मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो प्रिय साथियों, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी समय इसी जगह। कल तक के लिए नमस्कार।